सर एडवांस मूल कॉन्सेप्ट है क्या? शरद सर कराओगे यस क्या सर। इस क्लास में, मतलब करेक्ट चल या कुछ टॉपिक? ऐसा ना, टॉपिक तुम देख लो स्टार्टिंग के 15 मिनट अटेंड करके देखो, तुम्हें अगर लगता है 12th वाले बच्चों को अगर लगता है कि हाँ बेनिफिट मिल रहा है तो अटेंड करना, नहीं तो छोड़ देना। तो वैसे मिलेगा बेनिफिट, कुछ ना कुछ आंसर ही निकाल दोगे उसके अंदर। देखो पहले, सबसे पहले तो मिलिक्यूलेंट्स के 4 फॉर्मूले, मुदित मुदित यस सर, मिलिक्यूलेंट के 4 फॉर्मूले बोल पहले, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, हाँ एक, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम, हाँ नॉर्मेलिटी को लिख देंगे मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम, और सर गिवन मास हाँ गिवन मास ये बता बाइक्विवेलेंट मास। देख मुझे ये ना रटे होने चाहिए सारे, अगर ऐसे नहीं याद करेगा ना, ये 4 फॉर्मूले हैं के, ये 4 फॉर्मूले तुम्हें रटे होने चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन गिवन उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करना है। अगर नॉर्मेलिटी गिवन है तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, मोलरिटी गिवन है तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, मास गिवन है तो मास बाय इक्विवेलेंट रेट इनटू 1000, और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू 1000। क्लियर है कि नहीं? यस ये 4 फॉर्मूले याद कर लेंगे पहले, ये 4 फॉर्मूले याद कर लेंगे, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा। सही ना, याद कर लिया ना? ये इसका जल्दी से एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने बोला ध्यान देंगे, 9.8 ग्राम H2SO4, 9.8 ग्राम H2SO4 बोल रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला यूज कर लोगे तुम। ये मैंने करा रखा है पहले, पता है ना, 9.8 अपॉन में इक्विवेलेंट वेट 98/2 इंटू 10^3, ये आ जाएगा फॉर्मूला इसका। सही ना, ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला। समझ आ गया कि नहीं? ये 200 आ जाएगा ना मिलिक्यूलेंट्स, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? मास बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000, ये पहला क्वेश्चन। फिर नंबर मोल दे रखे हैं, मान लो 2 मोल्स ऑफ से CaO छोड़ वाइज, तो मोल्स दे रखे हैं, तो ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर इंटू 1000, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2, एन फैक्टर कितना है 2 इंटू 10^3, यानी 4000। समझ गए कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? ये यस और नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम तो डायरेक्ट ही है, 500 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल से H2SO4 ले लेते हैं, तो ये सीधा हो गया नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, यानी 50 मिलीक्विलेंट्स, 50 मिलीक्विलेंट्स ये। और मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर चौथा फॉर्मूला, बिल्कुल रट देना, 10 10 बार लिख लेना सारे फॉर्मूले, ये रटे होना चाहिए। मंडे वेडनेसडे से क्लास डाउट में है, इसीलिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ सैटरडे संडे। सही ना, थोड़ा सा नोट कर लेंगे। फिर एक दिया मैंने 100 ml ऑफ 0.2 मोलर से AlO छोड़ राइस, तो मोलरिटी गिवन है, तो मोलरिटी कितनी है 0.2 इंटू वॉल्यूम 100 इंटू एन फैक्टर 3, तो यहाँ से 60 मिलीक्विंट्स आ जाएगा, है ना, 60 मिलीक्विंट्स, ये आ जाएगा आंसर। सही है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना, मैं चारों फॉर्मूले का एक एक एग्जाम्पल दे दिया, चारों एग्जाम्पल दो दो बार जल्दी से रिवाइज कर लो, जो रिवाइज नहीं करेगा ना वो रह जाएगा फिर। तुम लोग रिवाइज पहले ही पिछले नहीं कर रहे हो, एक तो मुझे 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, 4 फॉर्मूले बोले, 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए उसी वक्त। नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू 1000, मोलरिटी गिवन है तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी गिवन है तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, मास गिवन है तो मास बाय इक्विवेलेंट रेट इनटू 1000, चारों को एक एक एग्जांपल दे दिया मैं, ठीक है, चारों को एक एक एग्जांपल दे दिया। नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट अब जैसे मैंने तुम्हें बोला Al2SO4 होल थ्राइस, एक एग्जांपल Al, बहुत ध्यान से एक एक चीज करोगे तो समझ आ जाएगा, स्कूल में बिल्कुल नहीं पूछेंगे, एंट्रेंस लेवल पे बहुत क्वेश्चन आए होंगे। Al2SO4 होल थ्राइस के मैंने तुम्हें दे दिए, सपोज इसके लिए लेते हैं 10 मोल ले लिए, 10 मोल दिए, ग्राम भी देता था मैं, 10 मोल दिए, और मैंने बोला इसके और इसके आयंस के मिलिक्विलेंट क्या होंगे, इसके और इसके आयंस के मिलिक्विलेंट क्या होंगे, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके और इसके आयंस के मिलिक्विलेंट क्या होंगे निकाल के बताओ, जल्दी निकालेंगे सब। 10 मोल Al2SO4 होल थ्राइस है, इसके और इसके आयंस के मिलिक्विलेंट क्या होंगे?
हाँ, किसने निकाला ये? जो मेरे को टॉपिक कराना ना, उसके लिए ये चीजें करानी बहुत जरूरी है। वो टॉपिक तुम करोगे, तुम खुद कहोगे अब समझ आ रहा है, लेकिन ये अगर नहीं आता वो समझ नहीं आएगा। किस किसने निकाल लिया? किस किसने निकाल लिया ये? नहीं निकाला किसी ने भी? गर सिंगल तो मैंने ट्राई नहीं किया तो मतलब ट्राई है। चलो कुछ नहीं होता, डायरेक्ट बोल दे तू कुछ नहीं होता। Al2SO4 मतलब होता है 10 मोल है, इन सबके मिलीग्रेंट्स क्या होंगे, इसके आयन के और इस कंपाउंड के? अच्छा सर, इसके तो हो जाएंगे 10 into इसका इंफेक्ट कितना हो गया, 6 into 1000, हाँ और 2 Al3+ मिलेगा तो Al3+ 20 मोल हो गया, और Al3+ के हो जाएंगे 20 into 3 into 1000। चल, तेरे को आता रहने दे। जो गर्व सिंगल ने आंसर दिया है वो और किसी ने निकाला था क्या? देखो ये 10 मोल है, ये 10 मोल है, ध्यान देना, एक एक लाइन ध्यान से सुनना। पहले मोल निकाल लेते, छोड़ दो मिलीग्राम्स, पहले मोल देख। ये अगर 10 मोल है तो ये 20 मोल होगा कि नहीं, और ये वाला 30 मोल होगा कि नहीं? 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, 1 मोल से 3 मोल बन रहा है, तो ये 20 मोल हो गया या 30 मोल हो गया? अब मिलीग्रेंट्स क्या होते हैं? मोल इनफेक्टेड 1000। Al2SO4 होता है इसका कितना इन्फेक्टर है? 6। कितना इन्फेक्टर है? 6 है कि नहीं? देखो इधर, 2 into 3 6, और यहाँ 3 into 2 6, 6 इन्फेक्टर है कि नहीं? तो 10 into 6 into 1000 इज इक्वल टू इसके इसके मिलीग्रेंट्स। अब Al3+ का इन्फेक्टर सिर्फ 3 होगा, Al3+ का सिर्फ ये 3 होगा, 20 into 3 into 1000। और SO4 2- के, SO4 2- का इन्फेक्टर है 2, तो इसके मिलीग्रेंट्स होंगे 30 into 2 into 1000। अब देखो सबके मिलीग्रेंट्स कितने हैं? 60,000 मिलीग्रेंट्स हैं कि नहीं सबके? 60,000 मिलीग्रेंट्स के, सेम इसके, सेम इसके। 1 2 3, एक बार हैंड से करेंगे जिसको ये बात समझ आ गई, एक बार हैंड से करेंगे जिसको ये बात समझ आ गई। बहुत बच्चे रह रहे हैं अभी, जिया, पिनेकिन, अतुल्य, मानसी, कीर्ति, भव्या, दिवा, काजल, आदित्य, ध्वनि, मनी, दिवा, दिवस, लक्ष्य, प्रियंका, अर्षी, निष्ठा, दिया, योग, सौम्या, हितेश। बहुत बच्चे रह रहे हैं अभी तो। ध्रुव तंवर, दिव्यांश, हिमांशु, इशिता। इशिता तुम्हें समझ नहीं आए? सर एक कशिश, बार रिपीट क्रिश, कर दोगे, नेटवर्क कनेक्शन नहीं आ रहे यहाँ पे। हेलो देखो लेक्चर जरूर तुम लोग देख लेना, मैं एक बार फिर भी अगला क्वेश्चन देके रिपीट करूंगा, एक क्वेश्चन और देके, ओके सर। मैं एक क्वेश्चन और देके रिपीट करूंगा, क्योंकि मैंने क्लास में कराया हुआ तुम ये चीज, मिलीग्राम निकालना तो सिखाया हुआ ना एक बार। किसने यस पूछा वैसे सर, ये? किसने पूछा है? तो मैंने दिव्यांश नाम बोलो ना। दिव्यांश दिव्यांश, दिव्यांश ये यस देख, सर। Al2SO4 थ्राइस का अगर 1 मोल है, अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है कि नहीं? यस सर, ओके इशिता सुन लिया मैंने, ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है, और अगर ये 1 मोल है तो ये 3 मोल है कि नहीं? ये बात समझ आएगा कि नहीं दिव्यांश? यस सर, आप यस सर, यस तो अगर ये 10 मोल है तो ये 20 मोल होगा, डबल होगा इसका कि नहीं? 1 से 2 मिल रहा है, सर, और अगर ये 10 मोल है तो ये 30 मोल होगा कि नहीं? 30 हो जाएगा, 10, 20 और 30, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। अभी ये मोल्स आ गए, इसके मोल्स आ गए ना। अब मिलीग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू 1000। Al2SO4 बोलता है इसका जो एन फैक्टर होगा वो 2 into 3 6 होगा, ये वाला 2 into 3, ध्यान देना, 2 into 3 6 आएगा, इस तरीके से देखना, ये 2 into 3 6, ये इसका एन फैक्टर। और नहीं समझ आ रहा तो 3 into 2 भी करोगे तो भी 6 आएगा, समझ आया कि नहीं? ये एन फैक्टर यस Al2SO4 सर, बोलता है इसका, ये डाउट तो नहीं है किसी को? ये करा रखा है तो 6 आ गया कि नहीं? तो यस सर, 10 into 6 into 1000। और Al3+ जो है, Al3+ इसका इन्फेक्टर 3 है, इसका इन्फेक्टर 2 है सल्फेट आयन का, एक मूल के लिए चेक करते हैं हमेशा। तो 20 into 3 into 1000, 30 into 2 into 1000, क्या समझ आ गया दिव्यांश?
सर। अब कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया? अब कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया? अब कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया? कोई है ऐसा? चलो फिर एक चीज और निकाल लेंगे, एक क्वेश्चन और। तुम्हें अब ये चीज यहां से ये रटना है कि किसी कंपाउंड के अंदर, ध्यान रखना किसी भी कंपाउंड के अंदर, जो उस कंपाउंड के मिलिक्रेंट होते हैं वही उसके आयंस के होते हैं। ये लाइन भूलना मतलब, 60,000 मिलिक्रेंट आ रहे हैं ना तीनों के, देखो 60,000 60,000 60,000 आ रहे हैं कि नहीं? यस सर। ये ध्यान रखना, ये लाइन मत भूलना, जो उस कंपाउंड के मिलिक्रेंट हैं वही उसके आयंस के भी होंगे, मिलिक्रेंट सेम रहते हैं हमेशा। अब एक और से प्रूफ कर लेते हैं, एक और से प्रूफ कर लेते हैं। जैसे मैंने दिया एक एग्जांपल और ले रहा हूं, से कैल्शियम फॉस्फेट लिया मैं, कैल्शियम फॉस्फेट लिया मैंने 5 मोल, मिलीग्राम निकालो इसके और इसके आयंस, कैल्शियम फॉस्फेट। फिर सबका 30,000 आ रहा है सर, 30,000 आ रहा है। सबका आ गया कि, सबका ये आंसर आ गया कि नहीं? यस सर आ गया। ये हाँ ये आ जाना चाहिए, ये 3 Ca2+ मिलेगा और 2 PO4 3- मिलेगा, 3 Ca2+ 2 PO4 3-, ये 5 मोल है, ये 5 मोल है, तो ये कितना मोल हो जाएगा दूसरा? देखो पर Ca2+ कितना हो जाएगा, 15 मोल, और वो 10 मोल की नहीं, एक से ये बन रहा है 3। एन फैक्टर 6 है पता है ना? यस सर। एन फैक्टर 6 है कि नहीं? हाँ। और कैल्शियम आयंस का एन फैक्टर कितना है? 2 है। अरे तुम लोगों का आंसर बोलना नहीं है किसी को? देखो Ca3PO4 अगर 1 मोल है तो Ca2+ 15 मोल, 3 मोल है कि नहीं? और अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है, तो ये जब 5 मोल होगा तो 5 × 3 × 5 ये 15 मोल होगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 × 5 10 मोल होगा। क्या समझ आ गए? यस सर। यस सर। तो अब ये अगर तुम्हें समझ आ गया, 5 मोल 15 मोल 10 मोल, एन फैक्टर Ca3PO4 का कितना था, तो मिलीग्राम कितने होंगे, 5 × 6 × 1000, ये 15 × एन फैक्टर इसका 2 है, तो 15 × 2 × 1000, इसका एन फैक्टर 10 × 3 × 1000। क्या समझ आ गए? यस सर।
कोई डाउट तो नहीं है? 30,000 में लिक्विड सबको समझा के एक बार हैंड सेज कर देंगे, एक सेकंड के अंदर जल्दी से सारे कर देंगे हैंड सेज। नहीं समझ आया तो पूछ लेंगे दोबारा, दूसरा एग्जांपल दिया सेम। और इसमें भी तुम देख लो, जो कंपाउंड के मिलिक्वेंट है वही आयंस के, जो कंपाउंड के हैं वही आयंस के हैं, ये ध्यान रखना तुमसे। अब जिसको अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया, 25 ने हैंड सेज किया, 26 ने हैंड सेज किया अभी, पूछना किसी को जो कंपाउंड के मिलिक्वेंट आ रहे हैं वही उसके आयंस के, कैल्शियम आयंस के भी यही है और फॉस्फेट आयन के भी है। कोई डाउट है तो पूछ लो। तुम्हें अगर ये बात समझ नहीं आई ना फिर तो मुश्किल हो जाएगा कराना, अगर ये बात समझ नहीं आ रही। कौन बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आया? तीन चार बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आया अभी। किसको समझ नहीं आया ये? मुदित तेरे को समझ नहीं आया ये? मुदित मुदित बोलेगा नहीं फिर फायदा थोड़ी है कोई। मुदित समझ, रेज हैंड करना वो भूल गया था मैं। अच्छा तेरे को समझ आ गया है? हाँ सर। हैंड से नहीं करोगे ना पता नहीं लगेगा। देखो ऑनलाइन क्लास तभी सक्सेसफुल होगी अगर तुम सब सपोर्ट करोगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा बिल्कुल। सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा इसमें ढंग से। अब नई चीज जो बता रहा हूँ वो नोट करेंगे। अगर मैं तुमसे कैल्शियम फॉस्फेट का इधर ही इक्विवेलेंट वेट पूछता हूँ तुम निकाल लोगे ना इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? एक मैं बता रहा हूँ, एक तुम निकाल के दिखाओगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 3 × 40 प्लस 2 × फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन का कितना होता है? 95। फॉस्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 × 95। आंसर आया 120 प्लस 190, 310। इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल के दिखाओ, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो। हाँ मुझे मुझे तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका? चित्राक्ष बोल। 51.5। हाँ इक्विवेलेंट वेट होगा इसका 310 डिवाइड बाय 6। 6 एन फैक्टर है ना। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। 310 बाय 6 आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर किसी को। अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे तो 6530 110 616 440 6636 51.67 के आसपास आएगा इक्विवेलेंट वेट। समझ आया कि नहीं ये? यस सर आ गया। अब दूसरा इसी का इक्विवेलेंट वेट निकालेगा दूसरा तरीका जो मैं न्यूमेरिकल्स में यूज करूंगा। मैं एक एक चीज बहुत ढंग से बताऊंगा तुम्हें, मिस मत करना कुछ भी। C3PO4 ट्वाइस है ना इसके अंदर। देखो मैंने इक्विवेलेंट वेट निकालेगा दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं। इसके अंदर कैल्शियम आयंस है, इसके अंदर फॉस्फेट आयन है। ये यूज करूंगा न्यूमेरिकल में। इसके अंदर कैल्शियम आयंस है, इसके अंदर फॉस्फेट आयन। तो कैल्शियम आयन का इक्विवेलेंट वेट अब इसका पूरे का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? कैल्शियम आयन का इक्विवेलेंट वेट 40/2, फॉस्फेट आयन का इक्विवेलेंट वेट 95/3। सॉल्व करो 310/6 आ रहा है कि नहीं? दूसरा तरीका समझ आया है कि नहीं? यस सर। 40/2 क्यों किया है? क्योंकि 2 प्लस चार्ज है। 95/3 क्यों किया है? क्योंकि 3 माइनस चार्ज है। एक बार हैंड से करना जिसको समझ आ गए। एक भी चीज मिस मत करना जो पढ़ा रहा हूं मैं। और असाइनमेंट सबके पास होनी चाहिए। असाइनमेंट से क्वेश्चन देने मेरे को भी एक बार कंसेप्ट समझ लो पहले। दिया, कीर्ति, दिव्यांश, ध्रुव, मानसी, दिवा, अतुल्य, निष्ठा, जिया, हितेश, काजल, लक्ष्य, चित्राक्ष, अर्षी, आदित्य, इशिता, योग, नवीन, पिनकिन, दिवस, सौम्या, हिमांशु, प्रियंका, क्रेश, मुदित,
कशिश गर्व भव्य, अब ध्वनि को समझ नहीं आया, ध्वनि और मनी, मनी गर्ग, हाँ सर ये ध्वनि सही है, ध्वनि को समझ आ गया, मनी बोलोगे नहीं फिर फायदा नहीं, कोई भी बोलोगे नहीं तो फायदा नहीं है बिल्कुल, मनी देखो पहले दोबारा देख लो बार, कैल्शियम आयन जो है इस पहले पहले तो यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट का इम्पैक्टर है सिक्स, ये सबको पता है ना, थ्री इंटू टू सिक्स, तो कैल्शियम आयन या कैल्शियम फॉस्फेट का मैं इम्पैक्टर बोलता हूँ, तुम सिक्स बोलोगे, चाहे तुम पॉजिटिव चार्ज चेक कर लो चाहे नेगेटिव, ये भी सिक्स है ना, तो इसलिए इक्विवेलेंट वेट हुआ, डायरेक्ट हुआ तरीका जो हम निकालते हैं 310/6। दूसरा तरीका क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट में कैल्शियम आयन है जिसका इन्फेक्टर टू है, फॉस्फेट आयन है जिसका इन्फेक्टर थ्री है, तो कैल्शियम आयन का निकाला मैंने 40/2, फॉस्फेट आयन का निकाला 95/3, फॉस्फेट आयन का इन्फेक्टर थ्री है तो उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट आयनिक वेट डिवाइड बाय 3, कैल्शियम आयन का 40/2 सॉल्व करोगे ये भी 310/6 आएगा, क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं। दूसरा वाली बात, दूसरी वाली बात इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, कैल्शियम आयन का इक्विवेलेंट वेट जो 40/2 आया था इसको मैं ई लिखता हूँ कि नहीं, इसको मैंने लिखा ई और प्लस 95/3, किसी भी मेटल फॉस्फेट का ये इक्विवेलेंट वेट हुआ कि नहीं, ई प्लस 95/3 जो मैंने लिखा है इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम फॉस्फेट का 40/2 प्लस 95/3, मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि नहीं, ई प्लस अगर कोई भी मेटल फॉस्फेट है, कोई भी मेटल फॉस्फेट फॉर्मूला क्या होगा उसका, मेटल फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, एम पी ओ फोर, पी ओ फोर एम थ्री पी ओ फोर होल एन, ये होगा फॉर्मूला कि नहीं, एम थ्री पी ओ फोर होल एन, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, एम थ्री पी ओ फोर होल एन का इसका इक्विवेलेंट होगा E प्लस 95/3, समझ आया कि नहीं, ये बताना, ये बताने का पर्पज था मेरा, मेटल फॉस्फेट का इक्विवेलेंट वेट क्या, ये समझ आ गया, बस जो मेटल का इक्विवेलेंट वेट है 40/2, यहाँ पे मेटल का नहीं पता ना मेरे को, मैं क्या लिख दूंगा E प्लस 95/3, ये समझ आ गया, मेटल फॉस्फेट का इक्विवेलेंट वेट ऐसे लिखना तुम्हें, क्या ये समझ आ गया, yes. अब ऐसे ही मैंने पीछे, हाँ पीछे पेज पे मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा था उसको भी देख लो, एल्यूमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बोलो, एल्यूमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट Al2SO4 होल थ्राइस है, Al का 27 × 254 और इसका सल्फेट का 96 × 3 288, सॉल्व किया 342, ये आ गया मॉलिकुलर वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, सल्फर का 32 होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 342 डिवाइड बाय 6। दूसरे तरीके से निकाल के बताओ, दूसरे तरीके से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट क्या होगा, देखो समझ आ गया कि नहीं, ये ये आ रहा कि नहीं, ये सॉल्व किया 6 5 30 4 42 6 7 57 आ रहा है, सेम आ रहा कि नहीं, Al3 प्लस सल्फेट आयन ये चीज है ना, Al3 प्लस का कितना होगा 27/3, सल्फेट का कितना होगा 96/2, आ रहा 57 कि नहीं, Yes. अब A 27/3 को किसी भी मेटल सल्फेट के लिए मैं E लिखता हूँ, E प्लस 96/2, ये किसी भी मेटल सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट यही होगा कि नहीं, यहाँ मैंने एल्यूमिनियम लिया था, अगर कोई और होता तो मैं लिखता वो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, Mn प्लस सल्फेट आयन, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M2SO4 होल एन, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, E प्लस 96/2, क्या समझ आया ये, Yes, sir. कोई डाउट किसी को, अब तुम्हें इस फॉर्म में इक्विवेलेंट वेट निकालना आ गया कि नहीं,
सबको आगे निकालना कि नहीं? yes. चलो अब तीन चार एग्जांपल लिखो जी, इस टाइप के इक्विवेलेंट वेट निकालने, इस टाइप के इक्विवेलेंट वेट, जैसे मैंने दिया मेटल हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट, पहला मेटल, कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड है उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? दूसरा, दूसरा लिखेंगे मेटल नाइट्रेट का इक्विवेलेंट वेट ई प्लस की फॉर्म में, मेटल नाइट्रेट का इक्विवेलेंट वेट, तीसरा मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट, क्लोरीन का मास 35.5 होता, मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट, चौथा मेटल सल्फेट, ये तो निकालो पहले, इन सबके इक्विवेलेंट वेट निकालो फास्ट ई प्लस की फॉर्म में। हाँ निकाल लिया सबने, देखो अब जल्दी से आंसर देखेंगे। मैंने दिया पहले मेटल हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या बनेगा? एम पे चार्ज मानोगे एन प्लस, हाइड्रोक्साइड पे मानोगे ओ एच नेट, तो फॉर्मूला आ गया एम ओ एच फुल एन। कोई जरूरत नहीं है इसकी, इसके बिना भी कर सकते, लेकिन बस एक फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या होता है वो बताया मैंने। तो यहाँ पे आएगा इक्विवेलेंट वेट जो आएगा वो आएगा ई प्लस, ई प्लस ओ एच आयंस, ओ एच पे नेगेटिव चार्ज है ना, 16 प्लस 1 17, 17 बाय 1, क्या समझ आ गया? दूसरा मेटल नाइट्रेट है, हाँ मेटल अब है मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, एम एन ओ थ्री होल है, नाइट्रेट आयन होता है एन ओ थ्री नेगेटिव, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा इसका? ई प्लस नाइट्रोजन 14 और 48, 62 by 1, ये इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड यानी एम सी एल एन, सी एल पे चार्ज माइनस वन, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा ई प्लस 35.5 बाय 1, क्या समझ आ गया? मेटल सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट ये भी मैंने बताया कितना आएगा, ई प्लस 96 बाय 2, फॉर्मूला क्या आएगा इसका? एम टू एस ओ फोर होल एन, बताया ना पीछे भी ये। yes. क्या समझ आ गया कि नहीं? देखो टॉपिक समझ आ गया कि नहीं ये? yes, sir. Yes, sir. ये नहीं आता होगा ना yes, तो कर नहीं पाओगे आगे, हाँ ये नहीं आता होगा तो टॉपिक आगे कर नहीं पाओगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। अब एक बार और इक्विवेलेंट वेट निकालने, तुम्हें पहला मेटल साइनाइड, दूसरा मेटल ब्रोमाइड, ब्रोमीन का मास होता है 80, एक बीआर एटम का मास 80 है, साइनाइड ब्रोमाइड मेटल फॉस्फेट, मेटल साइनाइड मेटल ब्रोमाइड मेटल फॉस्फेट मेटल ऑक्साइड, इन चारों की इक्विवेलेंट निकाल, इन चारों की इक्विवेलेंट निकाल लें और एक बार रीजॉइन कर लेंगे, एक बार अभी रीजॉइन कर लेंगे सब, सही ना? रीजॉइन कर लेना, क्वेश्चन नोट कर लिया है? सर
मेटल साइनाइड, मेटल ब्रोमाइड, मेटल फॉस्फेट और मेटल ऑक्साइड, इन सब के इक्विवेलेंट निकाल लें, एक बार रीजॉइन कर लेंगे दोबारा।